उस बच्चे दे अंदर शुरू तो एक अग सी, एक चिणग सी भी मैं कुछ वखरा बनना। बेशक उन्हों बहुत लोगों ने डीमोरलाइज करने की कोशिश की कि तू बहुत सोहना नहीं है या तू कुछ बन नहीं सकता, पर उन्हें इन चीज़ों एक चैलेंज के रूप च लिया तो यहोजा ना बनाया दुनिया से कि वह लोग देखते ही रह गए कि असी कि बारे की कह गए से होया ना। इन्हें उन्हें कदे अपनी शकल सूरत पर बहुता नहीं ध्यान दिता, उदा ध्यान अपने काम पर सी। उन्हें सिर्फ अपने काम पर फोकस किया तो दुनिया हिला के रख दी। मैं उहदी गल क्यों की है क्योंकि उहदे च कुछ एक चीज़ इहोजीआं सी, एज अ सिंगर एज अ लीडर जे असी उहदी गल ना भी करिए तां एज ए ह्यूमन बीइंग उह एक एग्जैम्पल सी जिहड़ी सानूं सारिआं नूं फॉलो करनी चाहीदी। मैं जदों भी उहदी गल करदी आं उहदे बारे सोचदी आं मैं थोड़ा इमोशनल हो जांदी आं क्योंकि मैनूं लगता है कि वाकई इंसान इहोजिहा ही होना चाहिए। जदों कि सड़कों पर निकलता सी ना तो सानू अजीब जी खुशी अजीब जहा चा चढ़ जाता हुंदा सी। असीं बहुत बारी लंघते टपते जे कदे देखते ना तो पता नहीं की लगता हुंदा सीगा भी शायद कोई साडा अपना साडे सामने आ गया, साडे सामने गुजर गया। इहदी क्वालिटी सी वो इन्नियां बुलंदियां ते जाके भी डाउन टू अर्थ सी। असीं बाहरले देशों नूं भज्जन नूं फिरदे आं, तुहाडे चों भी बहुत बच्चों ने मेरी जदों गल हुंदी है प्लस वन प्लस टू दे नाल उहनां दी भी इही इच्छा है भी ये नहीं देखना असीं साडे घर दे हालात किहो जिहे है, सानूं इह हुंदा असीं तां जी आइल्स करांगे बाहर जावांगे। वह बच्चा बाहर जा के भी वापस मुड़िया क्योंकि उहदे वास्ते सब तो ज़्यादा मायने उहदे माँ बाप रखदे सी, उहदा अपना पिंड रखदा सी, उहदी मिट्टी रखदी सी। तो इहो जी एग्जैम्पल सैट करके गया भी उहदे माँ बाप नूं तां सारी जिंदगी उहदे ते माण रहना ही है, साडा भी सिर बहुत उच्चा करके सानूं उहदे चों चंगीआं चीज़ां सीखण की जरूरत है। सिर्फ उहदे गीत ना सुणियो, उहदी सोच नूं अपनायो, उहनूं जिंदा रखना है रहिंदी दुनिया ते आपां अपने दिलां च अपनी सोच च।